बंटी बबली की मूवी तो आप सभी ने देखी होगी, लेकिन असल जिंदगी में बंटी बबली से हम आज आपको मिलवाएंगे, जिन पर सरकार ने पूरे 9.31 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। राजस्थान के 12 जिले में एक शिक्षक दंपतियों ने खुद की जगह डमी शिक्षक रखकर स्कूल में पढ़वाने के कारण सरकार ने उन पर 9.31 करोड़ रुपए की रिकवरी रखी है। साथ ही उनके ऊपर सदर थाने में केस दर्ज करवा दी गई। बता दें कि क्या शिक्षक दंपति करीब 20 साल से ज्यादा समय से शहर के समीप स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजपुरा में तैनात थे। विष्णु गर्ग एवं उनकी पत्नी मंजू गर्ग दोनों ने खुद स्कूल में छात्रों को न पढ़ाकर डमी शिक्षक रखा था, लेकिन 2017 में औचक निरीक्षण के कारण इन शिक्षकों की पोल सबके सामने खुल गई, लेकिन उस समय उनका केवल इंक्रीमेंट रोककर मामले को निपटा दिया गया। लेकिन राजस्थान में भजनलाल सरकार बनने के बाद उन्होंने दोनों शिक्षक दंपतियों पर शिकंजा कर दिया। सदर थाना पुलिस और शिक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए इन दोनों रवि शिक्षकों के स्थान पर यहां पढ़ रहे 3 अन्य शिक्षकों को भी गिरफ्तार किया, और इसके बाद इन दोनों शिक्षक दंपति की भी गिरफ्तारी होनी थी, लेकिन दोनों मौके से फरार हो गए। इस मामले में वहां की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि ऐसे शिक्षकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो राजस्थान में मिसाल बनेगी। पुलिस ने जांच के शिक्षा विभाग से इन दंपति द्वारा अब तक शिक्षा विभाग से ली गई वेतन की जानकारी मांगी थी। दंपति को कुल 9,31,50,373 रुपए की राशि शिक्षा विभाग ने वेतन के रूप में दे दी है। 4,92,59,146 रुपए विष्णु गर्ग तथा 4,38,81,227 रुपए मंजू गर्ग को दिए गए थे।